नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे तो भारत में विपक्षी दल पटना में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे थे। एक फोटो सेशन हुआ और उस फोटो सेशन के बाद विपक्षी एका की बात की गई। कहा गया पटना में बहुत कुछ तो नहीं तय हुआ, लेकिन अब शिमला में तय होगा। शिमला की वादियों में ठंडी हवाओं में बैठेंगे और कुछ बात करेंगे। लेकिन मोदी लौट करके आए और विपक्षी एका के इस फोटो सेशन पर ऐसा कुछ बोल गए कि सब तिल मिला गए। इन सब को घोटाले की गारंटी कह दिया, 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी। एक एक का नाम लिया, जरा सुनिए मोदी नाम लेते हुए इन सब की गारंटी का क्या कह रहे हैं। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। मोदी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, कांग्रेस को भी नहीं, लालू को भी नहीं, इनफैक्ट शरद पवार को भी नहीं, जिस पवार को एक बार वो राजनीतिक गुरु कह गए थे। सबको संकेत दे दिया कि सब जेल जाएंगे और वो छाती ठोक करके कह गए कि यदि इनकी गारंटी भ्रष्टाचार करने की है तो मेरी गारंटी भी है। क्या गारंटी दी जरा सुनिए। अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को
इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी कि सबको जेल भेजूंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी यूं ही कुछ भी नहीं कहते। उन्होंने एक बार कहा था कि घर में घुस करके मारूंगा, तो किसी ने कल्पना नहीं किया था कि पाकिस्तान को घर में घुस करके मारा जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, घर में घुस करके पाकिस्तान को मारा गया। तो पाकिस्तान की संसद में भी एक चर्चा हो गई और कहा गया कि हां, हमें घर में घुस करके मारा गया। आलम ये कि जब भारत का एक एयरफोर्स का अधिकारी पाकिस्तान में पकड़ा गया, पाकिस्तान खुद उसे समर्पित करने के लिए भारत को सौंप गया। उसके बाद से पाकिस्तान की दुर्गति क्या हुई कि आज पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है और एक से एक वीडियो आते हैं कि लोग आटे के लिए कैसे लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक और उस बैठक का महिमा मंडन करने वाले खैरातियों के लिए भी संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि महंगाई का मुद्दा बनाने वाले जान लो कि भारत में महंगाई क्या है और दूसरे देशों में क्या है। उन्होंने आंकड़े गिनाए, जरा उसे सुन लीजिए। आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है, 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। श्रीलंका में महंगाई दर कितनी है, 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई कितनी है, 10% के आसपास है। और भारत में महंगाई का दर कितना है, 5% से भी कम है। अमेरिका से लौट करके आए मोदी पूरे तेवर में थे, इतने तेवर में कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन ये साफ दिखा कि असली कांड तो लालू यादव का होगा। लालू ने पटना के बैठक में कहा था कि वो अब फिट हो गए हैं, मोदी को फिट कर देंगे। तो साफ लग गया कि यदि मोदी सुनेंगे इसका तो फिर लालू को क्या फिट करेंगे। इसीलिए उन्होंने आंकड़े लालू यादव के गिनाए कि लालू यादव के परिवार ने कैसा लूट मचाया है। और फिर उन्होंने यह कहा कि आपको वोट जो देते समय ये सोचिएगा कि आप किसके हित की बात कर रहे हैं। आप लालू परिवार के लिए वोट कर रहे हैं, आप मुलायम परिवार के लिए, आप शरद परिवार के लिए, गांधी परिवार के लिए। लेकिन यदि नेशन के लिए वोट देना है तो आप बीजेपी को दीजिएगा। ये मोदी ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए।
लेकिन जब ताल ठोकते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा कि वो छोड़ेंगे किसी को नहीं, तो तिलबिलाहट लालू यादव की बड़ी होगी। लालू वैसे सजायाफ्ता अपराधी हैं, 5 मामले में जेल में हैं और कपिल सिब्बल के कारण वे जमानत पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने तर्क गढ़ दिया और मिलॉर्ड ने मान लिया, क्योंकि कपिल सिब्बल हैं, कि उन्होंने आधी सजा भुगत ली है। लेकिन ज़्यादातर सजा किस तरह अस्पतालों में बिताए ये सब जानते हैं। आज भी अपनी उम्र और बीमारी के नाम पर वो मौज ले रहे हैं। लेकिन लालू यादव का बरबोलापन उनकी बर्बादी का कारण बन गया। अक्सर लालू यादव के लिए कहा जाता है कि लालू भारतीय राजनीति के ध्रुव केंद्र हैं, सेंटर पॉइंट हैं, और लालू ने पटना की रैली में भी यह दिखाया कि ये सेंटर पॉइंट हैं। लालू उस बैठक में न सिर्फ मोदी का मजाक सबसे ज़्यादा उड़ाया, किसी और की हिम्मत नहीं हुई, लालू ने ये हिम्मत दिखाई। लालू ने ये कह दिया राहुल गांधी को कि मोदी की दाढ़ी क्यों बढ़ाए हुए हैं आप, छोटा रखिए। इतना ही नहीं, लालू ने राहुल गांधी को शादी की बात कर दी, दुल्हा बनो, हम सब बारात जाएंगे। लालू ये चालाकी, ये धूर्तता इसीलिए कर रहे थे ताकि वो अपने मित्र और जिसके लिए वो कहते हैं कि पेट में दांत है उसके पर कतर रहे थे। वो संयोजक बन रहे थे, आयोजक बन रहे थे, हीरो बन रहे थे, दुल्हा बन रहे थे। मोदी ने साफ कर दिया दुल्हा तुम नहीं, दुल्हा तो राहुल गांधी है। लेकिन जिसे वो दुल्हा बना रहे थे उसका भी उन्होंने मजा ले लिया, बउआ बना दिया उस राहुल गांधी को। राहुल का मुंह देखने लायक था। पूरी बैठक को, विपक्षी एका के बैठक को अपने तरफ मोड़ देने वाले लालू प्रसाद यादव जब राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे, तो ये बात, ये वीडियो सोनिया गांधी ने भी देखी होगी। सोनिया को भी समझ में आया होगा कि उनके बेटे के साथ कैसा मस्खरापन किया गया। ऐसा मस्खरापन करके कहते हैं कि लालू ने राहुल गांधी से बदला ले लिया। उस अध्यादेश का, जो अध्यादेश राहुल के कारण पास नहीं हो पाया, यदि वो पास हो जाता तो सजायाफ्ता अपराधी होने के बाद भी लालू चुनाव लड़ रहे होते, मेंबर पार्लियामेंट होते, मौज कर रहे होते। तो आज उसी अध्यादेश के कारण राहुल गांधी सजायाफ्ता अपराधी हो चुके हुए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो राहुल गांधी से लालू ने इसीलिए मजा लिया होगा, कई एंगल यह भी कहते हैं। लेकिन लालू के चाटुकार पत्रकार उनका महिमा मंडन करते हैं कि लालू तो बड़ी काबिल हैं। लेकिन लालू की काबिलियत घुसर गई है। क्या लालू प्रसाद यादव अपने बरबोलेपन के कारण गलत पंगा ले लिया? अपना बरबोलापन, जिसकी उनकी आदत है, पार्लियामेंट में अपने बरबोलेपन के कारण वो लाल कृष्ण आडवाणी का मजाक उड़ाया करते थे, अन्ना का मजाक उड़ाया करते थे, अपने बरबोलेपन के कारण ही वो जाने जाते थे। लेकिन मोदी के सामने बरबोलापन उनकी बर्बादी ले आया। लालू सिर्फ अपनी बर्बादी नहीं लाए हैं, अब लालू का ये बरबोलापन शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक की बर्बादी लाया, क्योंकि मोदी अब ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मोदी ने साफ कर दिया कि घोटाले की गारंटी है, तो हम भी एक अलग तरीके के गारंटी हैं। लालू का ये बरबोलापन उन्हें खलनायक बना गया, उन नायक बनने की उनको आदत रही है, अपराधी होने के बाद भी नायक बनने की आदत रही। लेकिन वक्त बदल गया, ये लालू को समझ में नहीं आया। मोदी काल में बड़बोलापन से हीरो बनने वाले बेईमान चोर जोर से बोलेगा, यह दौर चला गया, लालू भूल गए। लालू तो सजायाफ्ता अपराधी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क शरद पवार को पड़ेगा, फर्क ममता बनर्जी को पड़ेगा, फर्क अरविंद केजरीवाल को पड़ेगा, फर्क तेलंगाना के उस नेता को पड़ेगा, फर्क डीएम के नेताओं को पड़ेगा, फर्क तो लालू को भी पड़ेगा। खुद तो जेल चले गए हैं, लेकिन बेटा जब उनके सामने जेल जाएगा, बीबी जब उनके सामने जेल जाएगी, तो कैसा लगेगा? लालू अपने बरबोलेपन के लिए खुद को कोस रहे होंगे, और तमाम राजनीतिक दल लालू यादव को। बहुत बहुत धन्यवाद।